शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों का हिसाब आमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं और जालिम लोग आपस में चुपके चुपके बातें करते हैं कि ये शख्स कुछ भी नहीं मगर तुम्हारे जैसा आदमी है, तो तुम आंखों देखे जादू की लपेट में क्यों आते हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बात आसमान और जमीन में कही जाती है मेरा परवरदिगार उसे जानता है और वो सुनने वाला है जानने वाला है। बल्कि जालिम कहने लगे कि ये कुरान परेशान बातें हैं जो ख्वाब में देख ली हैं, नहीं बल्कि इसने इसको अपनी तरफ से बना लिया है, नहीं बल्कि ये एक शायर है, तो जैसे पहले पैगंबर निशानियां देकर भेजे गए थे उसी तरह ये भी हमारे पास कोई निशानी लाए। इनसे पहले जिन बस्तियों को हमने हलाक किया वो ईमान नहीं लाती थी, तो क्या ये ईमान ले आएंगे। और हमने तुमसे पहले आदमी ही पैगंबर बनाकर भेजे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे, अगर तुम नहीं जानते तो जो याद रखते हैं उनसे पूछ लो। और हमने उनके ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि खाना न खाएं और न वो हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने उनके बारे में अपना वादा सच्चा कर दिया तो उनको और जिसको चाहा नजात दी और हद से निकल जाने वालों को हलाक कर दिया। हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा तस्करा है, क्या तुम नहीं समझते। और हमने बहुत सी बस्तियों को जो जालिम थीं पीस डाला और उनके बाद और लोग पैदा कर दिए। जब उन्होंने हमारे अजाब को देखा तो लगे उससे भागने। मत भागो और जिन नेमतों में तुम ऐशो आसाइश करते थे उनकी और अपने घरों की तरफ लौट जाओ, शायद तुमसे इस बारे में दरियाफ्त किया जाए। कहने लगे हाय शामत, बेशक हम जालिम थे। तो वो बराबर इसी तरह पुकारते रहे यहां तक कि हमने उनको खेती की तरह काट कर और आग की तरह बुझा कर ढेर कर दिया। और हमने आसमान और जमीन को और जो मखलूकात इन दोनों के दरमियान है उसको खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं किया। अगर हम चाहते कि खेल की चीजें बनाए तो अगर हमको करना ही होता तो हम अपने पास से बना लेते, नहीं बल्कि हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं तो वो उसका सर तोड़ देता है और झूठ उसी वक्त नाबूद हो जाता है। और जो बातें तुम बनाते हो उनसे तुम्हारी ही खराबी है, और जो लोग आसमानों में और जो जमीन में हैं सब उसी का माल हैं, और जो फरिश्ते उसके पास हैं वो उसकी इबादत से न तकब्बुर करते हैं और न उकताते हैं, रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं, न थकते हैं न थमते हैं। भला लोगों ने जो जमीन की चीजों से बास को माबूद बना लिया है तो क्या वो उनको मरने के बाद उठा खड़ा करेंगे। अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो जमीन और आसमान दरहम बरहम हो जाते। जो बातें ये लोग बनाते हैं तो अल्लाह जो मालिक अर्श है उन बातों से पाक है। वो जो काम करता है उसकी पुरसिश नहीं होगी और जो काम ये लोग करते हैं उसकी इनसे पुरसिश होगी। क्या लोगों ने अल्लाह को छोड़कर और माबूद बना लिए हैं। कह दो कि इस बात पर अपनी दलील पेश करो, ये मेरी और मेरे साथ वालों की किताब भी है और जो मुझसे पहले पैगंबर हुए हैं उनकी किताबें भी हैं। बल्कि बात यह है कि इनमें अक्सर हक बात को नहीं जानते और इसलिए इससे मुंह फेर लेते हैं। और जो पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे उनकी तरफ यही वही भेजी कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो मेरी ही इबादत करो, और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है, वो पाक है, उसके न बेटा है न बेटी, बल्कि जिनको ये लोग उसके बेटे बेटियां समझते हैं वो उसके इज्जत वाले बंदे हैं, उसके आगे बढ़कर बोल नहीं सकते और उसके हुक्म पर अमल करते हैं। जो कुछ उनके आगे हो चुका है और जो पीछे होगा वो सबसे वाकिफ है, और वो उसके पास किसी की सिफारिश नहीं कर सकते मगर उस शख्स की जिससे अल्लाह खुश हो, और वो उसकी हैबत से डरते रहते हैं। और जो शख्स उनमें से ये कहे कि अल्लाह के सिवा मैं भी माबूद हूं तो उसे हम दोजख की सजा देंगे, जालिमों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने उनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते।
और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि वो लोगों को लेकर डोलने न लगे और उसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग उन पर चलें, और आसमान को महफूज छत बनाया, इस पर भी वो हमारी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं। और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया, ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और ऐ पैगंबर, हमने तुमसे पहले किसी आदमी को बकाए दवाम नहीं बख्शा, भला अगर तुम मर जाओ तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे? हर शख्स को मौत का मजा चखना है, और हम तुम लोगों को सख्ती और आसूदगी में आजमाइश के तौर पर मुब्तला करते हैं, और तुम हमारी तरफ ही लौट कर आओगे। और जब काफिर तुमको देखते हैं तो तुमसे हंसी करते हैं कि क्या यही शख्स है जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र बुराई से किया करता है, हालांकि वो खुद रहमान के जिक्र से मुनकिर है। इंसान कुछ ऐसा जल्दबाज है कि गोया जल्दबाजी ही से बनाया गया है। मैं तुम लोगों को अनकरीब अपनी निशानियां दिखाऊंगा, तो तुम मुझसे जल्दी ना करो। और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब की ये वईद है वो कब आएगा? ऐ काश काफिर उस वक्त को जाने जब वो अपने चेहरों पर से दोजख की आग को रोक न सकेंगे, और न अपनी पीठों पर से, और न उनका कोई मददगार होगा, बल्कि कयामत उन पर यकायक आ वाके होगी, उनके होश खो देगी। फिर तो न वो उसको हटा सकेंगे और न उनको मोहलत दी जाएगी। और तुमसे पहले भी पैगंबरों का मजाक उड़ाया जाता रहा है, तो जो लोग उनमें से तमस्खुर किया करते थे उनको उसी अजाब ने जिसकी हंसी उड़ाते थे आ घेरा। कहो कि रात और दिन में रहमान से तुम्हारी कौन हिफाजत कर सकता है? बात यह है कि ये अपने परवरदिगार की याद से मुंह फेरे हुए हैं। क्या हमारे सिवा इनके और माबूद हैं कि इनको मसाइब से बचा सकें? वो आप अपनी मदद तो कर ही नहीं सकेंगे, और न हमारी तरफ से उनकी रिफाकत होगी, बल्कि हम इन लोगों को और इनके बाप दादा को मुतमत्ते करते रहे, यहां तक कि इसी हालत में इनकी उम्रें बसर हो गईं। क्या ये नहीं देखते कि हम जमीन को उसके किनारों से घटाते चले आते हैं? तो क्या ये लोग गलबा पाने वाले हैं? कह दो कि मैं तुमको वही के मुताबिक खबरदार करता हूं, और बहरों को जब तंबीह की जाए तो वो पुकार को सुनते ही नहीं। और अगर इनको तुम्हारे परवरदिगार का थोड़ा सा आजाब भी पहुंचे तो कहने लगे कि हाय कमबख्ती, हम बेशक गुनाहगार थे, और हम कयामत के दिन इंसाफ की तराजू खड़ी करेंगे तो किसी शख्स की जरा भी हक तलफी न की जाएगी, और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम उसको ला मौजूद करेंगे, और हम हिसाब करने को काफी हैं। और हमने मूसा और हारून को हिदायत और गुमराही में फर्क कर देने वाली और सरतापा रोशनी और नसीहत की किताब अता की, यानी परहेजगारों के लिए जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं और कयामत का भी खौफ रखते हैं। और ये मुबारक नसीहत है जिसे हमने नाजिल फरमाया है, तो क्या तुम इससे इनकार करते हो? और हमने इब्राहिम को पहले ही से हिदायत दी थी, और हम उनके हाल से वाकिफ थे जब उन्होंने अपने बाप और अपनी बिरादरी वालों से कहा कि ये कैसी मूर्ति हैं जिनकी परस्तिश पर तुम लोग जमे हुए हो। वो कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को इनकी परस्तिश करते देखा है। इब्राहिम ने कहा कि तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी खुली गुमराही में पड़े रहे। वो बोले, क्या तुम हमारे पास वाकई हक लाए हो या हमसे खेल की बातें करते हो? इब्राहिम ने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार आसमानों और जमीन का परवरदिगार है जिसने इनको पैदा किया है, और मैं इस बात का गवाह और उसी का कायल हूं। और अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूंगा। फिर उनको तोड़कर रेजा रेजा कर दिया, मगर एक बड़े बुत को न तोड़ा ताकि वो उसकी तरफ रुजू करें। कहने लगे कि हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया? वो तो कोई जालिम है। लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहिम कहते हैं। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहे। जब इब्राहिम आए तो बुत परस्तों ने कहा कि इब्राहिम, भला ये काम हमारे माबूदों के साथ तूने किया है? इब्राहिम ने कहा, बल्कि ये इनके इन बड़े बुत ने किया होगा, अगर ये बोलते हो तो इनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक तुम ही बेइंसाफ हो। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचा कर लिया। इस पर भी इब्राहिम से कहने लगे कि तुम जानते हो ये बोलते नहीं। इब्राहिम ने कहा, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीजों को पूछते हो जो न तुम्हें कुछ फायदा दे सकें और न नुकसान पहुंचा सकें? तुफ है तुम पर, और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो उन पर क्या तुम अक्ल नहीं रखते?
तब वो आपस में कहने लगे कि अगर तुम्हें इससे अपने माबूदों का इंतकाम लेना और कुछ करना है तो इसको जला डालो और अपने माबूदों की मदद करो। हमने हुक्म दिया, ऐ आग सर्द हो जा और इब्राहिम पर सलामती वाली बन जा। उन लोगों ने बुरा तो इनका चाहा था, मगर हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया और इब्राहिम और लूत को उस सरजमीन की तरफ बचा निकाला जिसमें हमने अहले आलम के लिए बरकत रखी थी, और हमने इब्राहिम को इसहाक अता किए और उसके बाद मजीद याकूब भी, और हमने सबको नेक बनाया था और हमने उनको पेशवा बनाया कि हमारे हुक्म से हिदायत करते थे और उनको नेक काम करने और नमाज पढ़ने और जकात देने का हुक्म भेजा, और वो हमारी ही इबादत किया करते थे। और लूत का किस्सा याद करो, जब उनको हमने हिकमत नबूवत और इल्म बख्शा और उस बस्ती से जहां के लोग गंदे काम किया करते थे बचा निकाला, बेशक वो बुरे और बदकिरदार लोग थे, और उन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया। कुछ शक नहीं कि वो नेक किरदारों में थे। और नूह का किस्सा भी याद करो, जब इससे पेशतर उन्होंने हमें पुकारा तो हमने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनको और उनके साथियों को बड़ी घबराहट से नजात दी, और जो लोग हमारी आयतों की तकजीब करते थे उन पर नुसरत बख्शी। वो बेशक बुरे लोग थे, सो हमने उन सबको गर्क कर दिया। और दाऊद और सुलेमान का हाल भी सुन लो, कि जब वो एक खेती का मुकदमा फैसल करने लगे जिसमें कुछ लोगों की बकरियां रात को चर गईं और इसे रौंद गई थीं, और हम उनके फैसले के गवाह थे, तो हमने फैसला करने का तरीक सुलेमान को समझा दिया, और हमने दोनों को हिकमत नबूवत और इल्म बख्शा था, और हमने पहाड़ों को दाऊद का मुसख्खर कर दिया था कि उनके साथ तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी मुसख्खर कर दिया था, और हम ही ऐसा करने वाले थे। और हमने तुम्हारे लिए उनको एक तरह का लिबास बनाना भी सिखा दिया ताकि तुमको लड़ाई के जरर से बचाए, बस तुमको शुक्रगुजार होना चाहिए। और हमने तेज हवा सुलेमान के ताबे फरमान कर दी थी जो उनके हुक्म से उस मुल्क में चलती थी जिसमें हमने बरकत दी थी, यानी शाम की तरफ, और हम हर चीज से खबरदार हैं। और बड़े बड़े जिन्नात को भी उनके ताबे कर दिया था कि उनमें से बाज उनके लिए गोताखोरी करते थे और इसके अलावा और काम भी करते थे, और हम उनके निगहबान थे। और अय्यूब को याद करो, जब उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और जो उनको तकलीफ थी वो दूर कर दी, और उनको बाल बच्चे भी अता फरमाए और अपनी मेहरबानी से उनके साथ उतने ही और बख्शे। और इबादत करने वालों के लिए ये नसीहत है, और इस्माइल और इदरीस और जुल्किफल को भी याद करो, ये सब सब्र करने वाले थे, और हमने उनको अपनी रहमत में दाखिल किया, बिला शुबा वो नेकुकार थे। और मछली वाले पैगंबर यानी यूनुस को याद करो, जब वो अपनी कौम से नाराज होकर गुस्से की हालत में चल दिए और ख्याल किया कि हम उन पर गिरफ्त नहीं करेंगे, मगर फिर अंधेरों में अल्लाह को पुकारने लगे कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूं, तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनको गम से नजात बख्शी। और ईमान वालों को हम इसी तरह नजात दिया करती हैं। और जकरिया को याद करो, जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि परवरदिगार मुझे अकेला न छोड़ और तू तो सबसे बेहतर वारिस है, तो हमने उनकी पुकार सुन ली और उनको याहिया बख्शे और उनकी बीवी को औलाद के काबिल बना दिया। ये लोग लपक लपक कर नेकियां करते और हमें उम्मीद और खौफ से पुकारते और हमारे आगे आजिजी किया करते थे। और उन खातून यानी मरियम को भी याद करो, जिन्होंने अपनी इफ्फत को महफूज रखा, तो हमने उनमें अपनी रूह फूंक दी और उनको और उनके बेटे को अहले आलम के लिए निशानी बना दिया। लोगों, ये तुम्हारी जमात एक ही जमात है और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तो मेरी ही इबादत किया करो। और लोग अपने मामले में बाहम मुतफर्रिक हो गए, मगर आखिर सब हमारी तरफ रुजू करने वाले हैं। अब जो नेक काम करेगा और मोमिन भी होगा तो उसकी कोशिश रायगा नहीं जाएगी, और हम उसके लिए सवाब आमाल लिख रहे हैं। और जिस बस्ती वालों को हमने हलाक कर दिया, महाल है कि रुजू करें, वो वापस नहीं आएंगे यहां तक कि याजूज और माजूज खोल दिए जाएं और वो हर बुलंदी से नीचे आ रहे हों, और कयामत का सच्चा वादा करीब आ जाए तो नागहां काफिरों की आंखें फटी की फटी रह जाएं और कहने लगे कि हाय शामत, हम इस हाल से गफलत में रहे, बल्कि हम खुद ही जालिम थे। काफिरों, उस रोज तुम और जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो दोज़ख का ईंधन होंगे और तुम सब उसमें दाखिल होकर रहोगे।
अगर ये लोग दर हकीकत माबूद होते तो उसमें दाखिल न होते, सब उसमें हमेशा रहेंगे, वहां उनको चिल्लाना होगा और उसमें कुछ और न सुन सकेंगे। जिन लोगों के लिए हमारी तरफ से पहले भलाई मुकर्रर हो चुकी है वो उससे दूर रखे जाएंगे, यहां तक कि उसकी आवाज भी तो नहीं सुनेंगे। और जो कुछ उनका जी चाहेगा उसमें यानी हर तरह के ऐश और मजे में हमेशा रहेंगे। उनको उस दिन का बड़ा भारी खौफ गमगीन नहीं करेगा और फरिश्ते उनको लेने आएंगे और कहेंगे कि यही वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे खतों का तूमार लपेट लेते हैं, जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया था उसी तरह दोबारा पैदा कर देंगे। ये वादा है जिसका पूरा करना लाजिम है, हम ऐसा जरूर करने वाले हैं। और हमने नसीहत की किताब यानी तौरात के बाद जबूर में लिख दिया था कि मेरे नेकुकार बंदे मुल्क के वारिस होंगे, इबादत करने वाले लोगों के लिए उसमें अल्लाह के हुक्मों की तबलीग है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, कह दो कि मुझ पर अल्लाह की तरफ से ये वही आती है कि तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, तो क्या तुम फरमाबरदार हो जाते हो? फिर अगर ये लोग मुंह फेरे तो कह दो कि मैंने तुम सबको यकसा अहकाम इलाही से आगाह कर दिया है, और मुझको मालूम नहीं कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो अनकरीब आने वाली है या उसका वक्त दूर है। जो बात पुकार कर की जाए वो उसे भी जानता है, और जो तुम छुपाते हो वो उससे भी वाकिफ है, और मैं नहीं जानता शायद वो तुम्हारे लिए आजमाइश हो, और एक मुद्दत तक तुम उससे फायदा उठाते रहो। पैगंबर ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, हक के साथ फैसला कर दे, और हमारा परवरदिगार जो बड़ा मेहरबान है उसी से उन बातों में जो तुम बयान करते हो मदद मांगी जाती है।